रहे हो? अरे ये क्या करेगा जब शाकाहारी से हराम की खाने को देता है? बकवास बंद करो, मैं सबको अंदर कर दूंगा। तेरी गलती नहीं है इंस्पेक्टर, जब कोई कुत्ता किसी का टुकड़ा खाता है तो उसको वफादार हो ही जाता है। रही कुत्ते की बात, मुझे क्या पता कि टुकड़ा मैं किसी वफादार का खा रहा हूँ या किसी गद्दार का खा रहा हूँ। हवलदार, इन सबको बंद कर दो। तू क्या बंद करेगा हरामजादे? तुझे तो बंद हम करेंगे। मारो सालों को, मारो, मारो सालों को, अंदर बंद करो सालों, मारो, मारो इन्हें अंदर, साले नंगा करूँगा, नंगा करूँगा साले तुम्हें, हाँ, नंगे हो, कपड़े उतारो, कुंडी मार दो। चलो। मगर सेठ जी, शाखा का पता कैसे चलेगा? हाँ, शाखा का पता बताएगा खबरी। खबरी? चलो तो। चलो। हरामजादो, देख लूंगा तुम सबको। ताऊ, सेव कैसी बनी लस्सी पी के? बहुत बढ़िया बनी। तो नाज लेने कब आऊं लस्सी पी के? अभी आ जाइए। मुझे पास के गांव में जाना है लस्सी पी के। लस्सी पी के ले आ, अभी जब लेने आ जाइए। ठीक है, मुझे पास के गांव में जाना है। चला जा। अभी मुझे दूसरे गांव में जाना है, सेव बनानी है लस्सी पी के। ये रहा खबरी, घेरो साले को। खबरी के बच्चे। अरे भाई, मुझे मत मारो लस्सी पी के। साका का पता बता दे लस्सी पी के। अरे भैया, मुझे पता नहीं है साका का पता लस्सी पी के। तू साका का पता बताता है? जी। वरना ये गोली तुझे लस्सी पिला देगी। बताता हूँ लस्सी पी के। बताने से काम नहीं चलेगा, साथ में चल। चलता हूँ लस्सी पी के। सीधी तरह चलता है या हाथ पर तोड़कर उठाकर ले चलूं? चलता हूँ लस्सी पी के। खबरी? अरे खबरी, पुलिस तो उसका रास्ता जानती थी ना। जी जी, चल। बिजली आज हमने इतनी पी ली है कि आज इसे नचाना ही होगा। नाचो। अरे सरदार को कुछ दिखा दे, वरना तेरे साथ कुछ भी कर देगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नाचूंगी, चाहे मुझे जान से मार दो, मैं बिल्कुल नहीं नाचूंगी, चाहे कुछ भी कर लो, मैं बिल्कुल नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? जरूर नाचेगी, ये नचाएगी इसे। अरे क्या कह रही थी वो, कैसे बोल रही थी वो? बिजली मतलब भाईजान, आपकी पढ़ाई कर रही थी। प्रधान जी। वाह, कौन है भाईजान, अंदर आ जाओ। राम राम जी। राम 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 राम। बैठो 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 भैया। आओ, मैं नुकार रहा हूँ प्रधान जी। गांव के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनकी पेंशन का काम आपके प्रधान फंड से होगा, और जिस पे आप साइन कर दोगे उन्हीं को पेंशन मिल जाएगी। अरे करना क्या है प्रधान जी को? एक रजिस्टर पे साइन अंगूठे जिनके लग जाएंगे, उनके पैसे आपके खाते में चले जाएंगे, उन लोगों को आप बांट देना। ठीक है, बाद में कर दूंगा। तो मैं चलूं? बैठो भाई, चाय नाश्ता लेके जाना। जमीला, चाय बना के लाना। प्रधान जी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और गाँव में भी जाना है। कोई बात नहीं, कोई बात, पी लेना चाय। और तुम क्या बोले, चाय? वो भी मेरे हाथ की? भूल जाओ, वो महारानी कल की आई हुई पलंग पे बैठ के चाय पीती है। खबरदार, जो आज के बाद मुझे चाय के लिए बोला, आज के बाद खाना भी तुम बनाओगे या तुम्हारी बहन बनाएगी, समझ गए? चिल्ली, ये क्या कह रही है, इसे क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या हुआ, नुकसान हो जाता ही, पता नहीं हवा सी भर रही है। प्रधान जी, ये बीच में घुस गया, मेरा नंबर था। बता, थोड़ी देर में आ जाएगा, बिल्कुल गर्म हो रहा। प्रधान जी, ये कोई बात हुई? अरे तो क्या हुआ, तुम सारे भाई तो हो, तुमने तो शोर मचा रखा है सबने आपस में। तो फिर सबको लाइन से बुलाओ ना। बात, तुम लाइन से नहीं बैठ रहे तो उसमें हम क्या करें? बात, तुम तो सारे बदतमीज है, जाहिल हो, पागल हो। क्या कहा, हम जाहिल है, हम बदतमीज है, हम पागल है? बात, तुम तो सारे बदतमीज है, साले भी दे दूंगा पेंसिल से, चलो अपने घर चलो। बात, तुम बिल्कुल ही बदतमीज है, साले की पेंसिल से काट दूंगा सबकी। कभी ना काटे, अभी तेरी प्रधानी निकाल दूंगा। मैं कभी ना निकाले, मैं साले तुमसे सब मूर्ख है, साले वोट तुम्हें फिर भी ले लूंगा तुमसे। हम मूर्ख है, हम बताएंगे। Thank you.
पागल बता रहा, बेवकूफ बता रहा मैं। आया प्रधान। अबे प्रधान के बच्चे, तुझे क्या जरूरत थी वहाँ फालतू बोलने की? हाय कुछ से कुछ कह रहे, उनकी सुन लेता था लोगे। अबे कुछ कमाना है तो सुननी पड़ेगी, यही मौका है कमाने का। हाँ हाँ, मौके बहुत आएंगे, जब तक मैं प्रधान हूँ मौके बहुत आएंगे। ऐसा करो, घर चल रहे वाले रोटी खाते हैं। चल भाई। कैसे बैठी हो भाभी? क्यों तेरी आँख फूट रही है, दिखाई नहीं देता? ऐसे बैठी हूँ। और बर्तन धो लिया तूने? नहीं भाभी। चल खड़ी हो, बर्तन धो। अभी धो। जा। कैसे बैठी है भाभी? इतने बड़े बाप की तो ना है जितना तू रोब जमा रही है। बड़े बाप की ना सही, मेरा आदमी प्रधान है। प्रधान? प्रधान है? हाँ। वो भी मेरे आदमी की बदौलत है कमीनी। कमीनी मत कह दियो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और मैं तो ऐसी खाऊंगी आराम से, मुझे प्रधान चाय भी बिस्तर पे दे के गया। ठीक है, मैं भी कम नहीं हूँ, आने दो दोनों को, आज खाना उन्हीं से बनवाऊंगी। भाभी तुम ही चुप हो जाओ, भैया प्रधान है प्रधान, लोग क्या कहेंगे, प्रधान के घर में झगड़ा। भाभी तुम दोनों मत बनाओ खाना, मैं बना लूंगी। चुप कर सलमा, तू कब तक बनाएगी? आज फैसला हो के रहेगा। फैसला हो या ना हो, मेरा तो मन है नहीं काम करने का। खाना या तो तू बनाएगी या प्रधान बनाएगा। भैया तो ये आ गए। भूख लग रही है, रोटी बन गई तो रोटी दे दे, भूख लग रही है। हाँ भाई लाओ लाओ खाना, लाओ खाना, खाना है। खाना खाना खाओगे? ऐसा करो रसोई में जाओ, खाना बनाओ, खुद खाओ और हमें भी खिलाओ। अबे ये क्या हो गया तुझे, इज्जत भूल गई? भूली नहीं हूँ, अब याद आई है। तो तू अब खाना नहीं बनाएगी? नहीं बनाऊंगी। कर लो क्या करोगे? करते क्या, खुद बना लेंगे। क्यों भाई सेकू? आप जैसे बोलो भैया। भाई जी खाना तुम मत बनाओ, खाना मैं बना लूंगी। तू चुप कर सलमा, तू आराम से बैठ। तू बैठ, हम खुद बना लेंगे। चलो भैया। चलो भैया बना लेते हैं खाना, वरना कुछ होने वाला। प्रधान जी। हाँ जी भाईजान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आए प्रधान जी, आप खाना बना रहे हो? प्रधान जी क्या बीमार है? भाई तुम अपना काम बोलो, हमारे घर का माहौल पूछना है। भाई बात पूछो, क्या पूछना? अजी गलती होगी प्रधान जी, मैं तो वो पिलसन वाला अंगूठा लगवाना आया था। अच्छा वो? हाँ जी। एक काम करना। हाँ जी। पूरे गांव के भी अंगूठा दस्तक तुम ही करवा के लिया ना। रुखसाना। हाँ। वो रजिस्टर ठाक ला अंदर से। ये नहीं ला सकती, खा खा के कटिया हो रही है। जा कटिया रजिस्टर ठाक ला। ये कटिया ना है, हमारी बहन है, जा ले आ। ठीक है जी। एक भी गलत होगा ना पूरी बिल्कुल तुझसे लूंगा। चलो भाई खाना बनाते हैं। बनाते हैं खाना भाई। अरे भाई आ जा, तुम्हारा छान मैं कुछ और करता हूँ, मसाला बनाता हूँ। ये तो करना पड़ेगा भैया, क्या करूँ सारा। अच्छा बताइए ले पकड़ ले। आटा छान रहे सिर है भाईजान। भाईजान जल्दी बना लो खाना, दोनों में आवाज ही भर रही है, वरना कुछ होने वाला। भैया दाल में सीटी आ गई, कर रही फुर 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 कर रही है। ये कैसा खाना बनाया है?
इतना नमक फूक रखा है इसमें। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ना सिखाया, खाना बनाना भी नहीं सिखाया, ऊँट के ऊँट हो रहे हो, गांव के प्रधान हो, ये रोटी भी जली भी बना दी, बर्तन भी साफ करके खाना नहीं बनाया, कितने गंदे बर्तन हो रहे हैं। भाभी जैसी पक गई वैसी खा लो ना। सलमा तू बीच में मत बोल। अबे हमें तो बोलने का मौका दे दो। आज सच्ची बनाएंगे, हमारी तो भाभी बनाती थी, पता नहीं से क्या हो गया। जब दोनों की कमाई खाएगी तो पकाएगी नहीं। क्या कह रही है हराम जादी, अभी बता दूंगी। अरे खाना तो खा लो। आराम से खा लो, तुम पे खाया भी नहीं जा रहा। क्या कहा? खा लो हमें तो गांव में काम से जाना। हाँ जाओ निकलो। क्या कह रही थी तू प्रधान के सामने? प्रधान के सामने? हाँ प्रधान के सामने। क्या मैं तो तेरे आके भी बोल रही थी। सुतरी तेरा मुंह पीट दूंगी ज्यादा बोलेगी तो। मैं कह रही हूँ कल के आई हुई बात बना रही है, मान जा अभी बता दूंगी तुझे। मान जा समझ रहा है कुछ? तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आने वाला। तुम खाना बनाते हो या नहीं? क्या नहीं भाई, इसका मामला समझ में नहीं आया। खाना पका लो सेठ जी, वरना क्या करेगी? वरना मैं समझा रही हूँ, वरना कुछ हो जाएगा। इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ तू वो करेगी? हाँ जी हाँ जी। रुक सा ना, एक बात सुन ले, इस घर का मर्ज का कैप्सूल ले आया हूँ मैं। क्यों भाई साहब? हाँ प्रधान जी, वो कैप्सूल इन्हें दिखाई दो, इनकी तो तबीयत ज्यादा खराब है। गोली लाओ या कैप्सूल, रोटी तो तुम्हें ही पकानी पड़ेगी। ठीक है, आज अभी इस घर की रोटी पकाना काम खत्म करते हैं। देखा ये दोनों, इनका बाप भी रोटी पकाएगा। मुझे ऐसा लगे तो आज कुछ करवा के मानेगी। हाँ देख लेंगे, ले भाई कुछ करवा के मानेगी। मुझे माफ कर दो, अब नहीं बोलूंगी, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। अजी मुझे माफ कर दो, आप जैसे कहोगे वैसा ही करूंगी। वाह एक बात बताओ, इस गांव के हम प्रधान और घर में कुछ नहीं? सब कुछ ठीक था जब से रुखसाना घर में आई है, जब से बिगड़ा है सब कुछ। और मुझे भी कुछ नहीं करने देती थी भैया। शेख जी मुझे माफ कर दो,